please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप न्यूज 18 इंडिया के साथ मैं पायल भुयन। आज हम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अगले आधे घंटे एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने होगा। स्टिंग ऑपरेशन में आपको खुफिया कैमरे पर उत्तर प्रदेश के कुछ कथित माफिया नजर आएंगे, पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों से बातचीत होगी, प्रशासन के कुछ बाबुओं के चौंका देने वाले दावे इसमें दिखाई देंगे। इस खुलासे से सवाल उठेगा कि क्या योगी सरकार में भ्रष्टाचार बंद हो गया है? क्या अब यूपी में माफिया राज खत्म हो चुका है? ये कहानी जुड़ी है यूपी के एक ऐसे गोरख धंधे से जो अखिलेश सरकार पर सबसे बड़ा कलंक बनकर सामने आया, जिस धंधे की वजह से अखिलेश सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यानी अवैध खनन। स्टिंग ऑपरेशन को देखने सिर्फ देश की जनता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए योगी जी कृपया ध्यान दें। सुना था कि यूपी में माफियाओं की शामत आने वाली है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके हुए तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। अब सरकार का ऐसा हंटर चलेगा कि माफिया राज खत्म होगा और राम राज की नींव धरी जाएगी। जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन योगी जी के इस नेक सपने में एक पेंच है और इसी पेंच को न्यूज 18 इंडिया का ये स्टिंग ऑपरेशन आज बेनकाब कर देगा। ये खुलासा जुड़ा है उत्तर प्रदेश में जारी एक ऐसे गोरख धंधे से जो कल भी मौज में था और आज भी मौज में है, जहां माफिया भी है, गुंडे बदमाश भी हैं, अवैध कारोबार भी है और सरकारी बाबुओं का बड़ा भ्रष्टाचार भी, यानी अवैध खनन। इस धंधे में पिछले सरकार के कई मंत्री लपेटे गए और अखिलेश सरकार की इतनी फजीहत हुई कि चुनाव में जनता ने सत्ता तक छीन ली। तो क्या अवैध खनन का कारोबार नई सरकार में भी जारी है? क्या योगी राज में भी खनन माफिया धड़ल्ले से नोट बटोर रहे हैं? क्या आज भी खनन माफियाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच मिली भगत कायम है? इस तफ्तीश के लिए हमारी अंडरकवर टीम यूपी के मिर्जापुर पहुंची। पता चला कि सरकार की नाक के नीचे खनन माफियाओं ने पूरे इलाके का भूगोल ही बदल दिया है। जो इलाका कल तक पहाड़ी की चार दीवारी में था वो अब मैदान बन चुका है। अब भी दिल नहीं भरा तो खनन माफियाओं ने जमीन के भीतर से पत्थर निकालने शुरू कर दिए। हम मिर्जापुर के अहरौरा इलाके में थे। पता चला कि यहाँ खनन के दो तरीके हैं। पहला सरकारी पट्टा, जिसमें खनन की एक निर्धारित सीमा होती है, और दूसरा अवैध खनन, जहाँ नियम कानून सिर्फ माफिया तय करते हैं। सच जानने के लिए हमने भी एक फर्जी कहानी बुनी। कहानी ये कि हमें खनन के लिए सरकारी पट्टा मिलने वाला है और जब तक पट्टा नहीं मिलता दूसरों की तरह हम भी अवैध खनन का काम करेंगे। इस फर्जी कहानी के साथ हमारी पहली मुलाकात हुई यहाँ के एक बड़े कारोबारी के मैनेजर से। बातों बातों में पहली बात ये पता लगी कि पट्टा वैध हो या अवैध, यहाँ बिना पैसे खिलाए कुछ नहीं होता। इस एरिया में हम लोगों ने काम नहीं किया, धन्यवाद का पता है कि एक बार दे दिया तो शांत रहेंगे पूरा महीना, अपना कोई दिक्कत नहीं। पहले ऐसा था यहाँ भी मशीन है, प्लांट है, मशीन का भी दर्ज बस
मैनेजर ने बताया कि सर्वेयर तो एक छोटा खिलाड़ी है, बड़ा खेल करना है तो सीधे जिले के खनन अधिकारी से डील करनी होगी। कहीं मैनेजर बड़बोला तो नहीं है, इसलिए हमने अगली मुलाकात की इलाके के एक रसूखदार व्यापारी पंकज पांडे से, जो मडियान इलाके में लंबे वक्त से खनन का काम कर रहे हैं। पंकज ने बताया कि अगर आप खनन का वैध तरीका भी अपनाएंगे तो भी अधिकारियों को बिना चढ़ावा चढ़ाए कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा प्रशासन में कितना खर्चा रहेगा हर महीने? प्रशासन का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साथ ही सब लोग करते हैं, मिलजुल के ही ठीक है। नहीं, व्यवसाय में मिलजुल कुछ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो भी है सब खर्च लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम खुदे हमारा खुदे खजाना है। वही कह रहा हूँ मैं, कैसे आप लोग का रहता है प्रशासन महीने का हिसाब? असल में खाने का सिस्टम है त्रिपर त्रिस्टम के यहाँ लगभग हमारे द्वारा सबका जाता है, पूरे मरहान दूसरे वर्ष। अच्छा, कोई भी एसडीएम आता है सिर्फ हम ही सुलाते हैं। अच्छा, यानी पंकज पांडे के मुताबिक इलाके के सारे व्यापारी घूस की रकम उन्हीं को देते हैं और पंकज पूरी ईमानदारी से वो रकम सरकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। थोड़ी पूछताछ की तो पंकज ने भी हमें घूसखोरों का रेट कार्ड बता दिया। एक अंदाजा क्या रहेगा? अभी आज से एसडीएम मुस्लिम का वही 8 लाख हो जाता है। 8 लाख? 8 हजार महीने में, बहुत ज्यादा नहीं है, वही खाने में का 15-16 हजार। यानी एसडीएम को 8,000 और पुलिस थाने को 15-16 हजार रुपए महीना। रिश्वत की ये रकम क्या गुल खिलाती है, इसकी चौंकाने वाली तस्वीरें भी देखिए। अवैध खनन माफिया पहाड़ के पहाड़ साफ कर चुके हैं, पहाड़ों पर धड़ल्ले से विस्फोट किए जा रहे हैं। सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे खोदकर पत्थरों को निकाला जा रहा है, वो भी ऐसी जमीन पर जो वन विभाग के दायरे में आती है, जहां खनन पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन छोटे छोटे सरकारी पट्टे लेकर न जाने कितने माफिया इन पहाड़ों को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें रोकने वाले अधिकारियों के मुंह नोट की ताकत से बंद हो चुके हैं। खुफिया कैमरे पर हुई बातचीत में अवैध खनन कारोबारियों ने दो सरकारी विभागों का जिक्र किया, बताया कि अगर इन दोनों विभागों में बात बन जाए तो अवैध खनन खुलेआम किया जा सकता है। पहला पुलिस थाना था और दूसरा एसडीएम का दफ्तर। हमारे लिए सिर्फ कारोबारियों के दावे पर यकीन करना जायज नहीं था, इसलिए हमने पुलिस और प्रशासन दोनों विभागों की तफ्तीश की। शुरुआत पुलिस से करते हैं और दिखाते हैं आपको कि अवैध खनन के बदले पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी हमसे क्या डील कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई अवैध तरीके से पहाड़ के पहाड़ काट कर ले जाए और पुलिस को भनक तक ना लगे? इस सवाल का जवाब तलाशने हम इलाके के बड़े पुलिस अधिकारी यानी सीओ केपी सिंह से मिलने पहुंचे। इन्हें भी यही कहानी बताई कि हम खनन का कारोबार करना चाहते हैं, थोड़ा सरकारी पट्टे से और थोड़ा अवैध ढंग से। हम लोग पहली बार यहाँ और काम के सिलसिले में खनन का ऐसा काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं देख रहे थे मैं अभी इन्हीं के साथ निकलेंगे। अभी तो हम अहरौरा कल देखे हैं, लेकिन अभी अहरौरा बात कुछ बड़ी नहीं है, मैंने कहा इधर का भी देख लेते हैं। सीओ साहब ने कहा कि काम हो जाएगा, बस जगह देख लो। हमने भी वही किया। खनन के लिए एक उम्दा सी साइट देखने के बाद हम अगले दिन फिर सीओ साहब से मिलने पहुंचे। उन्हें बताया कि हम 6 महीने में उस साइट का पट्टा हासिल कर लेंगे, बस 6 महीने तक उन्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी।
महीना समाज में और ये ध्यान रखिएगा छोटा भाई संभालेगा। आज तक कोई पुलिस रिकॉर्ड में कोई हमारा ऐसा नहीं रहा कोई केस वेस ना बने, इसमें आप थोड़ा सहयोग कीजिए। इंस्पेक्टर साहब को भी जानकारी बात करिए क्योंकि जो भी कंप्लेंट है वो भी आएगी सबसे पहले वो भी नहीं आएगी। तो गाड़ियाँ वगैरह हमारे इस्तेमाल होगी तो सबके नंबर्स ऑलरेडी बताने पड़ेंगे। क्या उन लोगों की भी गाड़ियाँ निकलती तुरंत निकलती हूँ गाड़ियाँ चलिए ठीक है मिलिस बात कर लीजिए पकड़ना प्राइमर कैसी नहीं। सीओ साहब तैयार थे, अब बारी थी इंस्पेक्टर साहब को खुश करने की, इसलिए हमने अगला दरवाजा खटखटाया मिर्जापुर के मडियान थाने के इंस्पेक्टर भुवनेश्वर पांडे का। इंस्पेक्टर साहब का दिल बड़ा था, उन्होंने सलाह भी दी कि थोड़ा काम ईमानदारी से करो और थोड़ा वो बेईमानी से करा देंगे। वैसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा ही लीगली नहीं चलाना। अभी थोड़ा क्योंकि अपडेट के लिए थोड़ा सा वो है कि दो महीने तीन महीने करीब ऑनलाइन नहीं होगा सारा कुछ, ऑनलाइन ही होगा। हाँ नहीं इसके बावजूद भी करने वाले कुछ कर रहे हैं जो रसीदे फला रहे हैं सब वो कर रहे हैं तो काम नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने ये भरोसा भी दिलाया कि अवैध खनन के दौरान अगर दबिश नौबत आई तो उनका आदमी हमें पहले ही आगाह कर देगा। यह कि कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ आती है तो इन्फॉर्म कर दिएगा ताकि हम अपना तब तक हटा दें। आप लोग आए भी छापा मारने किसी के माध्यम से करवा दीजिएगा, इतना बहुत है जी। पुलिस महकमे में इस गोरख धंधे की जड़ें कितनी गहरी हैं ये नापने के लिए हम इलाके के चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह के पास भी गए। इनसे मिलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अवैध खनन की शिकायत होने पर पहला मुआयना चौकी इंचार्ज की निगरानी में ही होता है। जरा सुनिए पैसों की खनक सुनते ही यूपी पुलिस के दारोगा क्या ज्ञान दे रहे थे। तंत्र का लोक सेवक होगा, आप जहाँ सेवा कराए जाएगा इसको बचाते हो नहीं ये न कहे पता चलेगा कप्तान साहब के डिग्रेड डाउट हो तो ये चीज है कि ना ये नहीं इसका ध्यान कहाँ करूँ कि ये नहीं हो जाओ पपिया तो सदगुरु से सच्चे रहो साधु से सद्भाव दुनिया में वैसे रहो जैसे लागी दाम। ठीक भैया क्या गुरु जी यड़गांव महाराज का सदगुरु से सच्चे रहो साधु से सद्भाव, साधु मतलब सज्जन के रूप से सच्ची भावना से उदंडता उनके साथ और दुनिया में फिर वैसे रहो जैसे लागी दाम तो दुनिया दफे में दाम चलती रहे। यानी अवैध खनन के इस धंधे में दारोगा ही साझेदार हो तो माफियाओं को डर किस बात का। यानी योगी जी कृपया ध्यान दे क्योंकि ऐसे हालात में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का सपना थोड़ा मुश्किल है। इस वक्त एक बड़ी खबर, जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने ये कार्रवाई की है खबर दिखाए जाने के बाद। उत्कर्ष चतुर्वेदी की लखनऊ से ये बड़ी खबर है। खबर को देखने के बाद तत्काल प्रभाव से स्टेनोग्राफर को
किया गया है निलंबित। उप जिलाधिकारी मरिहान से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण, शासन को भेजा जाएगा ये स्पष्टीकरण, आपको बता दें। और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। तो उत्कर्ष चतुर्वेदी की ये लखनऊ से बड़ी खबर है। न्यूज 18 इंडिया की खबर का ये असर हुआ है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी से मांगा गया है स्पष्टीकरण। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उत्कर्ष, न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर यहाँ पर नजर आ रहा है, किस तरह की कार्रवाई की अब बात हो रही है? ठीक है, साफ तौर पर पायल, जैसे ये स्टिंग ऑपरेशन कल रात चला है उसके बाद से एक हड़कंप है जिले में, और जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें कलेक्टर ने इस पूरे स्टिंग को देखने के बाद इस पर कार्रवाई करते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए जो स्टेनोग्राफर जो कि बता रहा है कि किस तरीके से जो अवैध खनन है उसका सिस्टम बनाया जा सकता है उसको निलंबित किया है। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी ने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है कि किस तरीके से उनके नीचे जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो इस तरीके की सेटिंग करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, और उनके नाम का आश्वासन वो कैसे दे रहे हैं, उनकी मिली वगैरह इसमें क्या है, उसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मी हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो पूरी एक सिस्टम बनाने की बात करते हैं अवैध खनन की, अपने जो रेट बता रहे हैं उसको लेकर उन्होंने एसपी मिर्जापुर को एक पत्र लिखा है कि उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए और की अनुशंसा की है, और आगे जो इसमें पुलिस विभाग पर कार्रवाई है वो एसपी के ऊपर उन्होंने डाली है। उन्होंने अपने पत्र के जरिए ये विषय उनके सामने जरूर रख दिया है। बिल्कुल उत्कर्ष, बताइए जो तमाम लोग हैं इस गोरख धंधे में शामिल है, खनन माफिया जो है, किस तरीके से उनके अंदर स्टिंग ऑपरेशन के बाद डर पैदा हो गया? देखिए, साफ तौर पर पायल एक डर है क्योंकि सबने कैमरे पर स्वीकारा है और पूरे का पूरा जो सिस्टम है किस तरीके से अवैध खनन का यह गोरख धंधा चलता है वो साफ सामने आया है न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के जरिए, और किस तरीके से सरकार बदलने के बावजूद, खनन नीति बदलने के बावजूद भी अवैध खनन का सिलसिला चल रहा है, प्रशासन का इसमें सहयोग होता है, पुलिस का इसमें सहयोग होता है, वो पूरा सिस्टम कैमरे के सामने है, जिस जिसको उसमें फायदा मिला है उनके नाम सामने है, और ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरे पर सब कुछ साफ है, तस्वीरों में सब कुछ देखा जा सकता है, और अब शासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देखने के लिए। तो न्यूज 18 इंडिया की खबर का ये असर हुआ है, स्टेनोग्राफर को निलंबित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत के बाद हम एक बात समझ गए थे कि अवैध खनन के लिए पुलिस विभाग में रिश्वत की रकम फिक्स है। कोई भी खनन माफिया चाहे तो हर महीने रिश्वत की रकम देकर सरकार को चूना लगा सकता है, लेकिन सवाल यह था कि अगर पुलिस माफियाओं के साथ मिली हुई है तो प्रशासन के दूसरे विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब तलाशने हम एसडीएम के दफ्तर पहुंचे। यहां मुलाकात सीधे एसडीएम से साहिबा से तो नहीं हो पाई हमारी, लेकिन उनके स्टेनोग्राफर से जो बातचीत हुई उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। जरा सुनिए ये अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने सख्त हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के दफ्तर में हमारी मुलाकात हुई एसडीएम साहिबा के स्टेनोग्राफर हरि प्रसाद पटेल से। पटेल साहब रुतबेदार आदमी है, बताया गया मैडम अभी नहीं है इसलिए दफ्तर का बड़ा बोझ पटेल साहब के कंधों पर है। हमारी अंडरकवर टीम ने पटेल साहब को भी यही बताया कि हम व्यापारी हैं और जब तक सरकारी पट्टा नहीं मिल जाता तब तक अवैध खनन की इजाजत के लिए आए हैं। मुझे भैया कि जब तक काम हमारा लीगलाइज पूरा फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है तो 2-4-6 महीना जो भी अपना काम या चलता है खनन का उसमें आपका थोड़ा सा सहयोग हो जाए, मैडम का हो जाए। और कोई ऑब्जेक्शन? हम तो बड़ा सहयोग से चलने वाले हैं, हरिद्वार में ऑलरेडी हमारा माइनिंग का बालू का चलता है, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना जो भी है समझदारी से। दिक्कत ये होती है ना, जैसे आपके विभाग वाले दिक्कत तब होगी, जैसे हमारे यहाँ जैसे हम लोग पहले कभी ना नकल वकल करी स्कूल में, हम तो नहीं करें, लेकिन प्रिंसिपल हाई स्कूल बोर्ड कहा सारे नकलियाँ करत जाए, लेकिन हमारे पे तो छुपावा हमारे आए तो ना ऐसा रात बना और ये स्थिति रहा कि कोई एसडीएम या डीएम को ना फोन करे, नहीं इतना तो समझदारी से ही होगा काम, ऐसा भी नहीं है कि हर एक से पंगे लेकर काम करेंगे। गांव के भी जो प्रधान वगैरह इनको सेट रखेंगे,
खाना सेट रखे हैं, सर्वेश भाई यही हैं। तो ये ज़्यादातर 6 महीने की दिक्कत रहेगी, जब तक पूरा काम लीगलाइज नहीं होता तब तक अपना जो यानी एसडीएम के दफ्तर में हमसे कहा गया कि अगर डीएम साहब तक शिकायत ना पहुंचे तो उन्हें अवैध खनन पर कोई आपत्ति नहीं है। पटेल साहब ने हमसे कहा कि आप अवैध खनन के लिए जगह देख लें, जगह पसंद आए तो हमारी बात एसडीएम साहिबा से करा दी जाएगी। हमने भी वैसा ही किया। जगह फाइनल करने के बाद हमारी टीम अगले दिन फिर एसडीएम के दफ्तर पहुंची। स्टेनोग्राफर हरि प्रसाद पटेल ने हमारे सामने ही एसडीएम साहिबा से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये हम भी नहीं सुन पाए, लेकिन वापस आकर हमसे जो कहा गया उसे सुनकर धक्का जरूर लगा। स्टेनोग्राफर बता रहा था कि मैडम जरा नहीं है इसलिए अवैध शब्द से थोड़ा घबरा रही हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, अपनी डील तो पक्की है, वो भी 15,000 रुपए महीने की रिश्वत पर। क्या कुछ वैसा हिसाब बताओ? 10 तो लीगल वाले का भाई, 10,000 लीगल वाले का हमारा 15 का, ठीक है अभी शुरुआत में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे तो मैं कभी होगा भी नहीं, ठीक है 15,000 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जुड़े हुए हैं सब लोगों से, इसलिए नहीं नहीं, तो बहुत ज्यादा। यानी खनन वैध हो या अवैध, सरकारी दफ्तरों में सबका रेट फिक्स है। अवैध खनन के बदले अपनी रिश्वत तय करने के बाद एसडीएम दफ्तर के इस बाबू ने हमें नया पैंतरा बताया। कहा कि हमारे अवैध खनन को शुरू करने से पहले वो मैडम यानी एसडीएम साहिबा के साथ इलाके में दबिश डाल देगा, दिखावे के लिए इक्का दुक्का लोगों पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी ताकि उन पर उंगली भी ना उठे और हमारा काम तसल्ली से शुरू हो पाए। देख लीजिए आप लोग वहाँ नहीं तो पहले एक बार मैडम को वहाँ हम लोग पहुँच लेते हैं। आप लोग जब गए होंगे तो काम चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना आप लोग शुरू हो उससे पहले हम लोग एक बार वहाँ हो लें। अच्छा हमको आप लोकेशन बता दीजिए, हम मैडम के साथ चले जाएंगे। हाँ तब भी एक हफ्ते के अंदर हम वहाँ एक बार बना देंगे। वहाँ सबको पता भी चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आध को कार्यवाही करवा दें बल्कि उसमें फिर हमें बाद में दिक्कत नहीं आएगी, सही रहेगा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं आप काम यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, एक आदमी परेशान हो रहा है, दो आदमी मौज कर रहे हैं, ये भी तो नहीं ठीक है। या तो वो भी आपके लाइन में आ जाए। अच्छा जब इस तरह से हो जाएगा तो आपको भी बल मिलेगा। हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो अकेले भार उठाने से अच्छा चार लोग रहेंगे। चार लोग वैसे सवाल सिर्फ मिर्जापुर का नहीं है, सवाल ये है कि क्या यूपी के हर शहर में अवैध खनन का धंधा ऐसे ही चलता है?